नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कॉन्फिडेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पे। दोस्तों, जब मैंने कॉन्फिडेंस डिस्कस किया था डिटेल में आपसे, उसमें मैंने बोला था या उसमें मैंने ये बताया था कि नॉर्मली हम सब तीन एरियाज में कॉन्फिडेंस को ढूंढते हैं। पहला क्या था? पहला था सेल्फ में कॉन्फिडेंस, अपने अंदर हम कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं। दूसरा था हमारी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस, कि हम कितने एबल हैं या हमारी एबिलिटी कितनी है किसी काम को करने का या किसी टास्क को पूरा करने का। तीसरा जो था दोस्त, वो सोशल इंटरेक्शन में हम कॉन्फिडेंस को ढूंढते हैं। आज जो मैं नॉर्मली बात करूंगा दोस्तों, वो तीसरे पॉइंट पे, सोशल इंटरेक्शन में कैसे हम कॉन्फिडेंस को जनरेट करें। मान लीजिए आप एक सेल्स जॉब में हैं, आप सेल्स कॉल में जाते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, आप नेगोशिएशन करने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी दूसरी तरह की मीटिंग्स में जाते हैं, प्रेजेंटेशन में जाते हैं, जहां पे आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और आपका कॉन्फिडेंट का सीधे इम्पैक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। उस केस में दोस्त, इस टेक्निक को अप्लाई करना है, और इस टेक्निक का नाम है डोर ट्रिगर टेक्निक। अभी ट्रिगर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सपोज आपने कुछ टास्क लिया, आपने कुछ टाइम रखा, आपने किसी को कोई काम दिया, वो काम समय पे नहीं हुआ, या किसी ने आपको पोक कर दिया, आपको गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्या है? वो गुस्सा एक स्टेट जनरेट हुआ, किसकी वजह से? क्योंकि आपको किसी ने पोक किया, किसी ने आपको कुछ बोला, तो वो क्या काम किया? एज ए ट्रिगर काम किया आपके गुस्से के लिए। दूसरा क्या है दोस्त, आपको एक अच्छी न्यूज मिलती है, आप जो काम करना चाह रहे थे वही काम बिल्कुल टाइम से हो गया, तो आपको जॉयफुल स्टेट में आप आ गए, आपको खुशी महसूस हो रही है। तो आपके खुशी का, आपके जॉयफुलनेस का, आपके हैप्पीनेस का ट्रिगर क्या है? आपके हैप्पीनेस, आपके जॉयफुलनेस, आपके खुशी का ट्रिगर था वो न्यूज, और ट्रिगर था उस काम का टाइम पे हो जाना। तो ये सब ट्रिगर्स हैं दोस्त। और हमारे बॉडी में कोई भी स्टेट अगर जनरेट होता है, कोई भी इमोशन जनरेट होता है, उसका कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है। और दोस्तों, वैसे ही इस टेक्निक का जैसे नाम है डोर ट्रिगर टेक्निक, इसमें भी जो ट्रिगर है वो डोर है। और वो डोर कौन सा है? जिस डोर के थ्रू हो करके आप उस मीटिंग में जाते हैं, उस सोशल गैदरिंग में जाते हैं, उस सोशल इंटरेक्शन में जाते हैं, अपने सेल्स कॉल में जाते हैं, अपनी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, अपने एग्जामिनेशन में जाते हैं, अपने ट्यूशन में जाते हैं, अपनी कोचिंग में जाते हैं। वहां पे आप कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डोर ट्रिगर टेक्निक। तो डोर ट्रिगर टेक्निक में क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं और उस डोर को क्रॉस करते हैं, उस डोर पे या डोर को क्रॉस करते हुए आपको तीन बातें, तीन इंटरनल डायलॉग अपने मन में बोलने हैं। तीन इंटरनल डायलॉग अपने मन में बोलना है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिस करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रैक्टिस कराता हूँ, खुद भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, और इसका बहुत रिजल्ट है, बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने तीन डायलॉग, तीन इंटरनल डायलॉग क्रिएट करने हैं अपने माइंड में। पहला है व्हाट यू वांट टू गिव। उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में, उस प्रेजेंटेशन में, उस नेगोशिएशन में आप क्या देने वाले हो? अब ये व्हाट यू वांट टू गिव और बाकी जो दो हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में बताता हूं कि ऐसा क्यों जरूरी है। व्हाट यू वांट टू गिव, दूसरा है व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव करना चाहते हो, कैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में। और तीसरा है दोस्त व्हाट यू वांट टू गेट, आपको क्या मिलना चाहिए, आप क्या लेना चाहते हो उस मीटिंग से, उस डिस्कशन से, उस इंटरेक्शन से। और ये क्या करेगा दोस्त, ये आपको एक कॉन्फिडेंस के स्टेट में लाएगा। मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मली क्या डायलॉग अपने इंटरनली माइंड में बोलता हूं। पहला जब आता है व्हाट यू वांट टू गिव, मैं वहां पे बोलता हूं आई वांट टू गिव एनर्जी। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं एनर्जी के साथ कन्वर्स करना चाहता हूं, एनर्जी के साथ बात करना चाहता हूं, एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं अपने बातों को रखना चाहता हूं। दूसरा आता है व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, तो मैं जब बोलता हूं व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस जॉय, हैप्पीनेस। मैं ऐसा सोचता हूं कि इस मीटिंग में, इस इंटरेक्शन में जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं वो जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तीसरा आता है व्हाट यू वांट टू गेट, तो जब व्हाट यू वांट टू गेट आता है, मैं नॉर्मली ये सोचता हूँ या ये इंटरनल डायलॉग बोलता हूँ
आई वॉन्ट टू गेट ह्यूमर, आई वॉन्ट टू गेट जॉय। इसकी अगर आप सेल्स मीटिंग में हैं, नेगोशिएशंस में हैं, तो कोई ऐसी बात कई बारी क्लाइंट बोल देता है जो बात से आप ऑफेंड हो सकते हैं, जिस बात को आप बहुत दिल पे ले सकते हैं, वैसा मेरे साथ ना हो और मैं उस बात को आराम से, कूल माइंड से उसको मैं सुन सकूं, रिसीव कर सकूं। सो तीन डायलॉग बोलने हैं आपने। पहला क्या है? व्हाट यू वांट टू गिव, आप क्या देना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू गेट, ये तीन डायलॉग आपने बोलने हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है दोस्तों, जब भी हम सोशल इंटरेक्शन में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, इमीडिएटली हम कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। और कंपैरिजन मोड में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इंटरनल फोकस ज्यादा रखते हैं। इसमें क्या करना है, आपने अपना फोकस एक्सटर्नल पे रखना है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? बाहरी चीजों पे रखना है। इंटरनल जब आप फोकस रखते हो तो आप क्या देखते हो, मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं है, मेरे जूते इतने अच्छे नहीं है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूं, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं दिख रहा हूं, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं लग रहा हूं। ये सब क्या होता है, ये सब डिसएम्पावरिंग डायलॉग आपके मन में चलते रहता है, जो क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को वैनिश कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर देता है। आपने क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट करना है और उसको मेंटेन करना है थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, थ्रू आउट द मीटिंग। तो आपने फोकस कहां रखना है, फोकस रखना है एक्सटर्नल थिंग्स पे। अब सपोज किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी डिस्कशन में जाते हैं, आप उसके एक्सटीरियर पे, उसके इंटीरियर पे, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसका खाना कैसा बना है, क्या क्या वहां पे तैयारियां हैं, तो आप अपना फोकस थोड़ा सा उधर रखिए। तो फोकस ऑन एक्सटर्नल थिंग्स एंड लर्न। तो आपने क्या करना है, जो भी आप चीजें देखते हो, जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, उससे आप सीखने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, और इसका तीसरा एस्पेक्ट है डो ट्रिगर टेक्निक का, बी इन अ प्लेफुल एंड जॉयफुल स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको सीरियस नहीं रहना है वहां पे, बी वेरी प्लेफुल, वेरी जॉयफुल। पीपल वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद दोज हु आर प्लेफुल एंड जॉयफुल। पीपल डोंट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल जो बहुत सीरियस फेस बना के बहुत गंभीर इस तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। और जब बात बहुत सीरियस, बहुत गंभीर होते हो, देन आप इंटरनल स्टेट में जाते हो, एंड वेर यू आर हैप्पी, वेन यू आर प्लेफुल, वेन यू आर जॉयफुल, यू ट्राई टू एक्सप्लोर एक्सटर्नल थिंग्स, और आप अपने अंदर के डायलॉग में नहीं जाते हो, कंपैरिजन मोड में नहीं जाते हो। तो दोस्तों इस डो ट्रिगर टेक्निक में हमने क्या देखा, आपने तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको इंटरनल डायलॉग बोलना है, क्या था, पहला था जैसे ही आप डोर को क्रॉस करते हैं, व्हाट यू वांट टू गिव, व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू गेट। ठीक है, दूसरा था कि जब भी आप किसी से मिलने जाते हो तो बी इन अ एक्सटर्नल स्टेट, फोकस इन एन एक्सटर्नल स्टेट एंड लर्न। और तीसरा था दोस्तों इसका, बी इन अ प्लेफुल एंड जॉयफुल स्टेट। ठीक है, इस डो ट्रिगर टेक्निक को आपने हमेशा नहीं करना है, आप 20, 25, 30 बार जब करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में ये एम्बेड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेट मोड पे आ जाएगा। जैसे ही आप इंटर करोगे इस तरह का कोई भी डोर, जहाँ पे कोई मीटिंग है, नेगोशिएशन है, कोई सेल्स कॉल है, कोई सोशल इंट्रैक्शन है, कोई पार्टी है, कोई ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे कॉन्फिडेंस का बहुत रोल है, आपका माइंड और बॉडी ऑटो मोड पे चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इनिशियली इसको प्रैक्टिस करना है, और जो ट्रिगर है, जो मैंने बोला आपको ये तीन जो इसके कंपोनेंट्स थे, ये क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस स्टेट में ले आएंगे, जनरेट करेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस के बाद अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसी तरह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है, हम सिचुएशन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हैं। और ये एक डो ट्रिगर टेक्निक है जिसमें आप कॉन्फिडेंस को जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं टेक्निक्स ये बता दिया आपको, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कितना बेनिफिट आप ले पाते हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस में ले आओ, इसको प्रैक्टिस करो। इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपके बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। और इमेजिन करो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सेल्स कॉल, इमेजिन करो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस मीटिंग,
Imagine that if you are in a negotiation meeting, you are into a social interaction, you are into some party gatherings, and you are very confident, very joyful, very happy, in a very playful state. People would love to interact with you. और जो उस joyfulness, उस playfulness, उस happiness state और जो confident state में आप रहोगे, उसका जो outcome होगा, it will be much, much better, my dear friend. So please apply this technique and give me the feedback. Namaskar.